Welcome to Enhance Cooking and More. अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके साथ में चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करेंगे। हमने यहाँ पर 750 ग्राम मैदा लिया है, इसमें हम 1 टीस्पून पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट और सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से हम इसमें ऐड कर लेंगे और लुक वार्म वाटर लेके उसे थोड़ा थोड़ा ऐड करके अच्छी तरह से इसका डो बना लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, बिल्कुल 2 टेबल स्पून इतना ही हमें टोटल ऑयल इसमें लगेगा। हमने अभी इसमें थोड़ा सा ही ऑयल ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे एक मर्तबा। अब आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है काफी अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसे हमें एक अच्छा सा डो बनाकर इस तरह से रख लेना है और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है इस तरह से, और इसे हम रेस्ट करने देंगे अराउंड 1.5 या 2 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छी तरह से फॉर्मेट नहीं हो जाता, अच्छी तरह से फूल नहीं जाता। जब तक के हमारा आटा फूल कर डबल होता है तब तक के हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली हुई है, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून दही, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे हमारा जो चिकन है उसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और कोई फूड कलर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून फुल भर करके हमने यहाँ पर चिकन टिक्का का मसाला लिया हुआ है। आप इसके बजाय तंदूरी मसाला भी ले सकते हैं और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन सब चीज़ों को हमें चिकन में ऐड कर लेना है और चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देना है 1/2 आवर के लिए। हमने सारी चीज़ों को चिकन में ऐड कर लिया है, अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और मैरिनेशन के लिए 1/2 आवर के लिए रख। इतना पहले हमने चिकन को गर्म कर देंगे और पैन को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। पैन हमारा गर्म हो गया, हमने उसमें 1 टेबल स्पून इतना बटर ऐड कर दिया है। अब इसमें हम हमारी मैरिनेटेड चिकन जो है वो ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। और इसकी फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और ढक के 5 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को ढककर पकते हुए। चिकन ने अपना काफी पानी रिलीज कर लिया है। अब इसे हमें फ्लेम को हाई करके अच्छी तरह से कुक भी कर लेना है और पानी ड्राई होने तक के इसे पका लेना है। अब आप देख सकते हैं चिकन का जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। इसी तरह से हमें हल्के हल्के से मास्क कर दें, तब तलक चला चला के कुक कर लेना है और चिकन भी अच्छी तरह से हमारी कुक हो चुकी है। Thank you.
गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चलेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। अवन को हम 200 डिग्री सेल्सियस पर दोनों रॉड ऑन करके 20 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लेंगे। आटा आप देख सकते हैं अच्छी तरह से डबल हो चुका है। अब हम इसके डो बना कर लेंगे। हमने यहाँ पर कैप्सिकम इस तरह से कट कर ली है और प्याज को भी इस तरह से कट कर लिया है। आप इसमें कॉर्न्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जलेपिनोज भी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में पसंद करके नहीं खाते इसलिए हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। और क्रस्ट के लिए हम यहाँ पर मकाई का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारा जो बेस है पिज़्ज़ा का वो काफ़ी क्रस्टी बन जाएगा और बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है उसमें। अब हम इस तरह से आटा जो है वो डस्ट कर लेंगे और जो पिज़्ज़ा का डो है हमने पिज़्ज़ा का डो ले लिया है। अब हम इसे आटे पे इस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा और आटा जो है मकाई का वो इस पर डस्ट करेंगे और इस तरह से इसे हम फ्लैट करके ले लेंगे। इस तरह से हमने एक मोटी सी रोटी जैसी बेल ली है। अब इसे हम इस तरह की एक जाली लेंगे और उसके ऊपर प्लेस कर देंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप बेकिंग ट्रे में भी इसे बेक कर सकते हैं। इस तरह से हमने जाली पर प्लेस कर दिया और अभी हम एक फोर्क की मदद से उस पर इस तरह से निशान लगा के ले लेंगे ताकि हमारा जो बेस है वो बेक होने के टाइम रोटी की तरह ना फूल जाए। इस तरह से हमें अच्छी तरह से गहरे मार्क्स लगा लेने हैं। हमारे मार्क्स लग चुके हैं। अब हम इस पर पिज्जा सॉस अप्लाई कर लेंगे। ये रेडीमेड ही पिज्जा सॉस है। इस तरह से हमें अच्छी तरह से पिज्जा सॉस जो है अप्लाई करके ले लेना है। इसके बाद हम इस पर स्लाइस चीज भी प्लेस कर देंगे। इस तरह से इसके टुकड़े कर दें स्लाइस चीज के और इसे इस तरह से रख दें। इस तरह से हमने चीज इस पर रख दी। अब कैप्सिकम रख देंगे। और इसी तरह से अनियंस भी हम इस पर रख लेंगे। अब हम चिकन भी इसी के ऊपर रख लेंगे। इस तरह से चिकन रखने के बाद थोड़ी सी हम मेयोनीज लेंगे और इस तरह से उस पर थोड़ी थोड़ी मेयोनीज डालते जाएंगे जिससे इसका जो टेस्ट है और ज़्यादा ही इन्हेंस हो जाएगा। इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी मेयोनीज डाल दी। अब इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ अप्लाई कर देंगे पूरी। इस तरह से हमने भरपूर मोज़रेला चीज इस पर डाल दी है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग ओरिगैनो वगैरह सब ऐड कर लेंगे। अब हमारा पिज़्ज़ा जो है बेक करने के लिए रेडी है तो हम अब इसे बेक करने के लिए डाल देते हैं अवन में। हमारा अवन भी प्री हीट हो चुका है। हमने अवन में पिज़्ज़ा रख दिया है बेक होने के लिए 20 मिनट्स के लिए।
अब आपको जब पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा तब हम मिलते हैं। पिज़्ज़ा सर्व करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हमारा पिज़्ज़ा तैयार है सर्व करने के लिए। हम इसे कट कर लेंगे। देख सकते हैं कितना हमारा बेहतरीन पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन।